हाय फ्रेंड्स, सरस्वती विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप परिहार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय हम टेंसेज के बारे में देख कर रहे हैं वीडियोस में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में सेंटेंसेज बनाएंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस के वीडियो बनाए हैं, उनके अगर डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ पाया तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उनको समझने के लिए, आगे ज्ञान को प्रसारित करने के लिए आप वीडियो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ने का आनंद उठाइए। मैं चीज आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखिए, दो चीज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, एक पास सिंपल टेंस होता है, दोनों में ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता है, दोनों में काम समाप्त हो चुका होता है। लेकिन फिर भी अपन कंफ्यूज में रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास सिंपल में क्या फर्क हो सकता है, क्या समानता है। क्योंकि पास सिंपल में भी अपन देखते हैं काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम उसी काम के बारे में बात करते हैं जो खत्म हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में यह महत्वपूर्ण रहता है कि जो काम खत्म हो चुका है उस काम का अभी भी कुछ न कुछ असर चल रहा है, यानी वर्तमान में भी उसका कुछ न कुछ है बचा हुआ। और पास सिंपल में क्या होता है, काम खत्म हो गया जिसका अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है और उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या मैन वर्ब लगानी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर अपन पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है, आपको जो हिंदी वाक्य होगा चुका है, चुकी है या चुके हैं। हिंदी वाक्य की पहचान में आपको क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर देखिए, कई बार ऐसे भी आपको दिया मिल सकता है, दिया है, लिया है, ली है, ऐसे भी ऐसे वर्ड्स भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिल सकते हैं। कई बार अपन चुका है, चुकी है, चुके हैं के भ्रम में ही रहते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आपको दिया है, लिया है या ली है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस के एंडिंग के साथ मिल सकता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे चुका है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, मैं कहानी सुन चुका हूँ, मैंने फिल्म देख ली है या मैंने पुस्तक ले ली है। ले ली है का मतलब है कि मैं पुस्तक ले चुका हूँ, मैंने फिल्म देख ली है इसका मतलब मैं फिल्म देख चुका हूँ। बस ये पॉइंट को ध्यान रखना आपको, लिया है या ली है में आता है, देख लिए या देख चुका हूँ, बात दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो पहली चीज पहचान, ये माइंड में अपने आनी चाहिए। पहचान आने के बाद दूसरी चीज अपने ये चलती है कि सेंटेंस को तो अपने पहचान लिया, सब्जेक्ट अपन आराम से पहचान लेंगे, अब लगानी है अपन को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में आपको दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हैज होती है, एक हैव। हैज और हैव, हैज का प्रयोग किनके साथ होता है, ही, सी, इट या एनी मैन। ही, सी, इट, एनी मैन कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, उनके साथ इसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। एस का मतलब जिनके भी वर्ब के लास्ट में एस आता है उसका वर्ब सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के साथ काम करती है। पहले भी अपन एक चीज इंग्लिश में ध्यान यही रखना है, जैसा करता वैसी क्रिया, करता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, करता वो वचन है, क्रिया भी वो वचन है। मैन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको यही माइंड में रखनी है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया बहुवचन है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है उनके साथ हैव का प्रयोग। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, यहाँ पर आई बहुवचन की क्रिया लगेगा। मैं चीज हो गई हेल्पिंग वर्ब, अपन को कैसे लगानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है
इसमें आपको ध्यान रखना है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एज हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का पहचान होगी हेल्पिंग वर्ब होगी मैन वर्ब होगी उसके बाद आप कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस आपने देखे हैं तो इजीली आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आप बात करें सिंपल सेंटेंस की साधारण वाक्य क्या अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट कॉमन चीज है कर्ता जो भी होगा वो कर्ता आ जाएगा उसके बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है हैज लगा दीजिए प्लूरल है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर अदर क्या होता है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं वापस अदर में क्या क्या होता है एक्टिविटी क्या होता है उनका फुल फॉर्म क्या होता है वो सब चीजें सब्जेक्ट हो गया एस है हो गया बी थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट हो गया अदर हो गया ये आपको स्ट्रक्चर बनाता है अंग्रेजी में आप एक ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हिंदी में चलता है एस ओ बी इंग्लिश में एस वी ओ के क्रम में। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो वे पत्र भेज चुके हैं वे पत्र भेज चुके हैं तो वे को क्या कहते हैं दे अब दे के साथ क्या लगेगा हैज या हैव में से तो दे के साथ हमको क्या लगाना है हैव दे हैव भेजना भेजने को सेंड कहते हैं वर्ब की अपन को लगानी है थर्ड फॉर्म दे हैव सेंड क्या भेज चुके हैं लेटर्स दे हैव सेंड लेटर्स उसके बाद अगर अपन इसी में नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट लगाना है बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर वही अदर बिल्कुल कोई भी अपन अगर ऐसे बनाते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस से आप चूज कीजिए और कोई भी सेंटेंस आप चूज करेंगे उसको इस क्रम में आप सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए एस वी ओ के क्रम में। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आना है हम पुस्तक या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं तो हमको क्या कहते हैं वी वी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वी हैव फिर आपको लगाना है नॉट वी हैव नॉट सीखना सीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं लर्न और लर्न थर्ड फॉर्म क्या लगेंगे लर्न क्या नहीं सीख चुके हैं इंग्लिश We have not learned English. इसका भी सिंपल देखिए जैसे हमने फिल्म देख ली है अब जैसे एक ये सेंटेंस है हमने फिल्म देख ली है या अगर हम इसको दूसरी बात अगर कहें हम फिल्म देख चुके हैं दोनों से हम चीज रहेगी तो हमने को क्या कहेंगे वी देख वी के साथ हैव लग जाएगा देखने को क्या कहेंगे वी हैव सीन फिल्म हम क्या देख चुके हैं फिल्म देख चुके हैं। अब अगर इसकी प्रश्नवाचक की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो ये हैज होते हैं उनको आपको क्या करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हैज और हैव बाहर आएंगे प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा फिर वी थर्ड हो जाएगी फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा
ये अलग हो जाएगा और फिर साइन ऑफ और इंट्रोगेशन इस क्रम में आपको चल रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप एक बार बनाना सीखना पड़ेगा आपको, फिर आप सिर्फ हेल्पेबल वर्ब चेंज करते हुए कोई भी स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। जैसे कि आप तुम या तुम जन्मदिन मना चुके हो, या तुम जन्मदिन मना चुके हो, तुम के हिसाब से क्या चलना है, तुमको क्या कहते हैं यू हैव यू, मनाने को क्या कहते हैं सेलिब्रेट, और थर्ड फॉर्म होगी तो सेलिब्रेटेड, हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। अगर ये होता कि आप अपना जन्मदिन मना चुके हो तो हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, और फिर लास्ट में आपको दोनों तरफ साइन ऑफ इंट्रोगेशन का ध्यान रखना है। अब अगर इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें अपन, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो उसमें आपको क्या करना है, एज एम्स प्लस सब्जेक्ट और यहाँ पर नॉट लगाना है, प्लस विथर्ड ऑब्जेक्ट अदर एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या तुम अपना जन्मदिन नहीं मना चुके हो, Have you not celebrated your birthday? ये चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पहली चीज पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज हैव, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं इनटू इंग्लिश, और ये तरीका है उसका बिल्कुल आसान तरीका, सिंपल लैंग्वेज। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स या अगर आपको कोई भी समस्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी सुधार होगा अपन उसके साथ आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन